जैन बेटा, जैन जल्दी उठो, मंडली का टाइम हो गया है, जल्दी उठो। जैन जैन बेटा उठ जाओ, काफी देर से तुम्हें उठा रही हूँ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर लेंगी। अच्छा आ रहा हूँ, थोड़ी देर तो सोने दे। मम्मी आपने खाना कितना मजेदार बनाया, तुम जल्दी खाना खाओ, सो जाओ, सुबह तुमने स्कूल भी जाना है। अच्छा आज चले जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, अब खाना खाओ, सोने जाओ। बच्चों आज की आपकी इस कहानी का नतीजा है कि हमें किसी की इजाज़त के बगैर किसी अजनबी के घर नहीं जाना चाहिए। अब आपने इस कहानी का टेस्ट करना है और आपको छुट्टी हो गई है। मुझसे नहीं इतना काम हो सकता, ये सोच रहा हूँ कि काश हम दोनों को कल को छुट्टी हो जाए ताकि हम दोनों इस टेस्ट से बच जाए। हाँ हाँ चल चले। आए यार तो मैं बहुत थक गया हूँ। जैन बेटा आ गए तुम, और कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? हाँ ठीक ही था ना मम्मी, वो सुबह हमारा टेस्ट है। अच्छा बेटा ऐसा करो खाना खा लो, और खाना खाने के बाद पढ़ने बैठना, ठीक है? अच्छा मम्मी। बोल कितने मालूम मुझे।
मैं अपने अपने टेस्ट याद करना हमेशा दूंगा। जैन आ जाओ। मम्मी लगता है मुझे साथ बुला रहे हैं। अच्छा मैं आके रोटी खाऊंगा। जैन किधर जा रहे हो? मुझे बता के तो जाओ। जैन 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 अब जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। काश तुम्हारे पास कोई फुटबॉल होती ताकि हम दोनों खेल पाते। हाँ जैन। जैन तुमने मेरे उस घर में क्यों फेंकी मेरी बॉल? चल कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ।